अब 90 के दशक में अभिनेता संजय दत्त और सनी देओल ने मिलकर कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी भी जमकर पसंद की गई। यही बड़ी वजह है कि कई दशकों के बाद अब बाप ऑफ ऑल द फिल्म्स को लेकर अभिनेता संजय दत्त और सनी देओल इन दोनों काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं और सनी देओल के साथ संजय दत्त एक बार फिर से बड़ी फिल्म के साथ जुड़ने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म होने वाली है खलनायक। जी हाँ, आपने सही सुना, खलनायक फिल्म वही है जिसे आज से कई दशक पहले सुभाष घई ने बड़े पर्दे पर पेश किया था और फिल्म में संजय दत्त का किरदार बलू बलराम का बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया था। खलनायक फिल्म में ग्रे शेड वाले किरदार में संजय दत्त ने ऐसी जान फूंकी कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के गाने को उस समय काफ़ी पसंद भी किया गया था। यही बड़ी वजह है कि अब फिल्म के दूसरे भाग में अभिनेता संजय दत्त और सनी देओल एक साथ जुड़ने वाले हैं और इसी कड़ी में अभिनेता संजय दत्त ने इस पर अपना रिएक्शन भी दिया है। साथ ही उन्होंने सनी देओल की तारीफों के पुल भी बांधे हैं। पूरी अगर घटना का जिक्र करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल इस समय अपनी फिल्म गदर 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं, जिनकी फिल्म ने एक नया इतिहास ही रख दिया है। फिल्म को रिलीज हुए 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया और 2 हफ्तों के भीतर ही इस फिल्म ने जो कारनामा करके दिखाया वो वाकई काबिले तारीफ है। अब तक गदर 2 का कलेक्शन करीब 425 करोड़ रुपए के आसपास चला गया है और फिल्म की सफलता को देखने के बाद कई सारे अभिनेताओं ने इनकी जमकर तारीफें भी की हैं। एक तरफ जहां देओल परिवार गदर 2 की सफलता को एंजॉय करता हुआ नजर आ रहा है और इसी कड़ी में अभिनेता संजय दत्त ने भी गदर 2 की तारीफ करते हुए अपना रिएक्शन दिया। आइए चले जानते हैं कि संजय दत्त ने सनी देओल की तारीफ करते हुए क्या कहा। अभी हाल ही में मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब इस बारे में संजय दत्त से पूछा गया तो संजय दत्त ने कहा कि सनी देओल के साथ मेरा रिश्ता काफी पुराना है, हमने 90 के दशक में कई सारी एक्शन से लवरेज फिल्मों में काम किया है और रही बात गदर 2 की तो ये फिल्म इन दोनों काफी कमाल कर रही है। गदर एक प्रेम कथा मैंने देखी थी, उसकी लोगों ने जमकर सराहना की और यही बड़ी बात है कि फिल्म के दूसरे भाग को भी लोग जमकर प्यार दे रहे हैं। फिल्म की सफलता पर मैं सनी को बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही जब उनसे पूछा जाता है कि क्या खलनायक 2 में आप सनी देओल के साथ काम करेंगे तो इस बारे में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और स्क्रिप्ट तैयार होती है तो मैं जरूर सनी देओल के साथ काम करूंगा। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि संजय दत्त भी अब सनी पाजी के साथ काम करने के लिए बेकरार हैं। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि अहमद खान के निर्देशन में बन रही फिल्म बाप फिल्म में एक बार फिर से अभिनेता संजय दत्त और सनी देओल की जोड़ी देखने को मिलेगी। साथ ही इस फिल्म में इन दोनों अभिनेताओं के अलावा मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ का किरदार होने वाला है। लेकिन बात करें अगर खलनायक 2 की तो इस फिल्म को लेकर इन दोनों काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही है। होता यूं है कि गदर 2 की अपार सफलता के बाद बॉलीवुड के शोमैन कहलाए जाने वाले सुभाष घई ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये घोषणा की है कि वो संजय दत्त के साथ बहुत ही जल्द खलनायक 2 बनाने वाले हैं। बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में अभिनेता संजय दत्त के अलावा माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की जोड़ी साल 1993 में रिलीज हुई थी और अब फिल्म का सीक्वल बनने वाला है। माना जा रहा है कि इस फिल्म में जैकी श्रॉफ की जगह बॉलीवुड का कोई सितारा जगह ले सकता है और ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है कि सुभाष घई हो सकता है कि संजय दत्त के अपोजिट सनी देओल को कास्ट किया जाए। सुभाष घई ने इस इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने खलनायक 2 बनाने का फैसला गदर 2 की सफलता को देखते हुए लिया है क्योंकि उन्हें कई मैसेज आ रहे हैं कि आप खलनायक 2 क्यों नहीं बना रहे, इसलिए वो इस पर विचार कर रहे हैं और आप जल्दी खबर सुनेंगे जिसमें संजय दत्त और एक नया स्टार होगा। अब सुभाष घई ने यह कहकर एक बड़ा हिंट दिया है कि संजय दत्त के साथ एक नया स्टार होगा, यानी जैकी श्रॉफ को दूसरे भाग में नहीं लेंगे और जैकी श्रॉफ की जगह शायद सनी पाजी ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो खलनायक 2 सुपर डुपर हिट साबित होगी। एक तरफ जहां खलनायक 2 में अभिनेता संजय दत्त खलनायक बनकर कहर भर पाएंगे तो वहीं दूसरी ओर सनी देओल फिल्म में एक दमदार पुलिस वाले के किरदार में दिखाई देंगे और खलनायक 2 भी सुपर डुपर हिट साबित होगी। हालांकि गदर 2 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद आती है और 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद फिल्म के दूसरे भाग को भी जमकर प्यार देते हैं। इसी कड़ी में अभिनेता सनी देओल अब 2 और फिल्मों के सीक्वल को बनाने की खबर सामने आ रही है जिसमें बॉर्डर 2 और सुपरहिट फिल्म खलनायक का सीक्वल माना जा रहा है। संजय दत्त की फिल्म खलनायक सुपरहिट रही थी और सुभाष घई खलनायक के सीक्वल बनाने पर अब मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुभाष घई जल्द से जल्द इस फिल्म को फ्लोर पर लेकर आना चाहते हैं। सुभाष घई ने यह भी कहा है कि 3 सालों से हम खलनायक 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे और अब लगभग फिल्म की स्क्रिप्ट खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है और गदर 2 की सफलता के बाद मुझ पर भी कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप खलनायक 2 पर जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ऐसे में इंतजार किया जा रहा है अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट का कि सुभाष घई कब इस बात का ऐलान करते हैं कि खलनायक 2 पर वो कब काम शुरू करेंगे और माना यह भी जा रहा है कि संजय दत्त के अपोजिट अब अभिनेता सनी देओल इस फिल्म के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये फिल्म बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की चुनिंदा फिल्मों से एक मानी जाएगी जिसका एक नया इतिहास होगा। वेल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से क्या खलनायक 2 में अभिनेता संजय दत्त और सनी देओल की जोड़ी बननी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल न भूलें।